अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, इसका जो संसदीय क्षेत्र है बेतिया आता है और विधानसभा क्षेत्र नौतन बैरिया आता है, और यहाँ से सांसद जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, और यहाँ के विधायक जो है पूर्व पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये रोड अभी आप लोग जो देख रहे हैं, ये रोड जो पखनाहा से यहाँ सिंघई तक आता है, और आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। ज़रा यहाँ पे आप लोग देखने की कोशिश करें कि किस तरह से ये रोड टूटा हुआ है। यदि कोई रात में इधर कोई गाड़ी आती है या कोई बाइक से ही आता है तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो उस पोखरा में जा सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। इस रोड को टूटे हुए डेढ़ दो साल हो गया मगर अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है। ज़रा सोचने की कोशिश करें, यहाँ पे तो सांसद कभी काल आते हैं और विधायक जी दो तीन बार आ जाते हैं, मगर उनको ये रोड नहीं दिखता है कि टूटा कहाँ पे है, किस तरह से टूटा है, उनको ये नहीं दिखता है, क्योंकि वो गाड़ी में रहते हैं और आगे पीछे गाड़ी रहती है, ये नहीं दिखता है। मगर उनके कार्यकर्ता जो है उन लोगों को तो ये दिखता है। तो क्या विधायक जी आपको ये कार्यकर्ता जी लोग नहीं बताए हैं कि यहाँ पे रोड टूटा हुआ है, क्या ये इसको ठीक कराने के लिए नहीं बताए हैं? तो आप इन कार्यकर्ताओं को किस लिए रखे हैं? ज़रा सोचने की कोशिश करें कि आपके विधानसभा में कुछ ऐसा काम हो जाए और आपके कार्यकर्ता आपको नहीं बताए तो ये कितना दुख की बात है। ये करीब एक दो दिन से नहीं टूटा हुआ है, ना दो तीन महीना से टूटा हुआ है, ये करीब डेढ़ दो साल से टूटा हुआ है, मगर अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है। ज़रा सोचने की कोशिश करें, यदि कोई भर्ती गाड़ी यहाँ पे आता है, कोई ट्राली भी आता है, ट्रैक्टर भी आता है, तो उसका पलटी भी हो सकता है, उसकी जो ड्राइवर होगा जो उसकी मौत भी हो सकती है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ज़रा सोचिए इसका है कि दोनों बगल से ये रोड टूटना चालू हो गया, वहाँ पे आप लोग देखिए तो वहाँ पूरा टूट चुका है, और इधर भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें कि इधर भी टूटना चालू हो गया, थोड़ा सा इधर से आके दिखाने की कोशिश करें इधर से कि किस तरह के यहाँ पे स्थिति हो चुका है, मगर यहाँ पे अभी तक कोई रिपेयरिंग के बातें नहीं हो रहा है। देखिए कितना ज़्यादा डेंजर यहाँ पे, कितना खतरनाक है, अगर कोई रात में कोई आता है आदमी तो वो इसमें अगर जाएगा तो उसकी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, मगर देखिए अभी तक यहाँ पे कितना खतरनाक ये नज़ारा है और कितना ये डेंजर दिख रहा है। मगर अभी स्क्रीन पे आपको ये थोड़ा सा वीडियो दिख चल रहा है, जो आइचर ट्रैक्टर है वो भी यहाँ ही खा चुका है, उसको दूसरे ट्रैक्टर से जोड़कर उसको निकाला गया है, मगर अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है। वो लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होगा तभी यहाँ पे जाके रिपेयरिंग होगा। तो सांसद जी और विधायक जी, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस जगह को थोड़ा सा ठीक करवा दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान, किसी की मौत भी हो सकती है। दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ से वहाँ तक कितना डेंजर ये है, कितना खतरनाक दिख रहा है, मगर अभी तक किसी भी नेता को ये नहीं दिखा। ये रोड जो आता है बेतिया से एकदम पखनाहा बाजार से आगे सिंघई पिपरा घाट तक जाती है। तो ज़्यादा सोचने की कोशिश करें, यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।